बिना हेलमेट लगाए दोपहिया चला रहे और बिना सीट बेल्ट के चौपहिया चला रहे वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के प्रत्येक चौक चौराहों में यातायात पुलिस के कर्मचारियों को तैनात भी किया गया है, जो हर वाहन चालकों पर नजर रखे हुए हैं। यातायात के नियमों का उल्लंघन कर दोपहिया वाहनों का परिचालन कर रहे वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई का अभियान आरंभ कर दिया है। एक सप्ताह तक चले यातायात सप्ताह के समाप्त होने के बाद से अब पुलिस ने वाहन चालकों को समझाइश देने का कार्य बंद कर सीधे कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। बिना हेलमेट लगाए दोपहिया और बिना सीट बेल्ट लगाए चौपहिया वाहन चालकों से सभी चौराहों में तैनात यातायात पुलिस द्वारा जुर्माना वसूल किया जा रहा है। सुपेला चौक में गुरुवार की सुबह चालानी कार्रवाई में यातायात पुलिस व्यस्त दिखी। ट्रैफिक कर्मचारी हर ऐसे छोटे बड़े वाहन चालकों को रोकते नजर आए जिन्होंने या तो हेलमेट नहीं पहन रखा था या फिर सीट बेल्ट नहीं बांधा था। जुर्माने से बचने वाहन चालक आगे से हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने की दुहाई देते पुलिस कर्मियों के समक्ष नजर आए। इनमें महिलाएं और युवतियां भी शामिल थी, लेकिन पुलिस ने किसी की भी नहीं सुनी और सभी से जुर्माना वसूला। अभियान की जानकारी यातायात पुलिस के ASI श्री मार्कंडे ने दी। हाँ, अभी वर्तमान में यातायात सप्ताह सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाए हैं, उसमें समझाइश दिएगा सबको, पब्लिक को हेलमेट लगा के चले, बाइक वाले कार वाले सीट बेल्ट लगा के चलेंगे। उसी के संबंध में अब हेलमेट का और सीट बेल्ट का विशेष कार्यवाही चल रहा है, जो एक्सीडेंट में आदमी का जान बच सके समझाइश देते हुए नाबालिग या अब इसको समझाइश दिया जा रहा है, घर वाले को समझाइश दिया जा रहा है बुला के। और विशेष तौर हेलमेट बाइक चलाने वाले का और कार चलाने वाले का सीट बेल्ट लगा कार्रवाई की जाए। अब सुधार धीरे धीरे आएगा, बहुत समझाया जाए, अधिकांश उसे लगाना कोशिश कर रहे हैं, लगा रहे हैं। गौरतलब है कि सुपेला चौक व्यवस्थम चौक की गिनती में शामिल है। यहाँ हर वक्त भारी वाहनों की आवाजाही बने रहती है। चौराहों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में वाहन चालक दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। ऐसे में सुपेला चौक में वाहनों को रोककर कार्रवाई करना दुर्घटनाओं को बढ़ावा देने जैसा है, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई से बचने वाहन चालक रास्ते से ही बिना पीछे देखे वाहनों को मोड़ते हैं। इससे पीछे आ रहे अन्य वाहनों की चपेट में उनके आने का अंदेशा बना रहता है। यातायात पुलिस को इस ओर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।